तीन बजे की तीन बड़ी खबर में आपका स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ करिश्मा भारद्वाज और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। देश भर में कृषि कानूनों का विरोध लगातार जारी है और इसके विरोध में किसान दिल्ली बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। कृषि कानूनों के मसले पर राजनीति लगातार गर्माती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में लगातार महापंचायतों का आयोजन कर रही है और आज मथुरा में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा किसान महापंचायत को संबोधित कर रही है और यह महापंचायत मथुरा के पालीखेड़ा में आयोजित की गई है। बता दें आपको कि उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा के चुनाव हैं और प्रियंका गांधी कांग्रेस की यूपी प्रभारी है और आपको बता दें कि ऐसे में खुद प्रियंका गांधी बीते दिनों से फ्रंट फुट पर नजर आ रही है। लगातार प्रदेश में महापंचायतों में भी हिस्सा ले रही है और आपको यह भी बता दें कि केंद्र सरकार पर उन्होंने जमकर निशाना साधा था। बीते एक महीने में प्रियंका गांधी दो बार प्रयागराज का दौरा भी कर चुकी है और वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वायनाड से सांसद राहुल गांधी केरल के दूसरे दौरे पर है। केरल के मलमपुरम में राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में सरकार न्यायपालिका पर अपनी इच्छा और शक्ति को थोप रही है। दिल्ली में केंद्र सरकार न्यायपालिका को उसका काम करने से रोक रही है और राहुल गांधी ने आगे ये कहा कि सिर्फ कोर्ट ही नहीं बल्कि केंद्र सरकार संसद में राज्यसभा और लोकसभा में भी बहस की अनुमति नहीं दे रही है और लगातार चुनी हुई सरकार को गिरा रहे हैं। केरल के मलमपुरम में राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि ऐसा पहली बार हो रहा है कि यह चुनाव जीतने का मतलब हारना या इसका उलट है। तो लगातार किसानों का एक तरफ प्रदर्शन जारी है तो दूसरी तरफ कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस भी लगातार वहां पंचायत कर रही है किसानों के समर्थन में। और इसी के चलते आपको बता दें कि प्रियंका गांधी आज यूपी के दौरे पर है और दूसरी तरफ अगर राहुल गांधी की बात करें तो राहुल भी दो दिन के केरल दौरे पर है। किसानों के साथ खड़े हुए हैं कांग्रेस पार्टी, लगातार किसानों की आड़ और सरकार पर वार करने की तैयारी की जा रही है कांग्रेस की तरफ से। नेताओं के दौरे पर अब सियासी मायने क्या है ये देखना होगा। कृषि कानूनों पर जो सियासत है वो लगातार गर्माती हुई नजर आ रही है। देश भर में कृषि कानूनों का विरोध लगातार जारी है और इसके विरोध में किसान दिल्ली बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। तीन महीने हो चुके हैं दिल्ली के तमाम बॉर्डर पर किसानों को प्रदर्शन करते हुए, बस सरकार से एक ही उम्मीद से बैठे हुए हैं कि कहीं ना कहीं सरकार जो कृषि कानून है उनको रद्द किया जाए। तो इस पर तमाम जानकारी देने के लिए यूपी से हमारे संवाददाता रिंकू शर्मा जुड़ गए हैं। रिंकू, लगातार एक तरफ तो किसानों का प्रदर्शन जारी है तो दूसरी तरफ कांग्रेस की जो महापंचायत है वो की जा रही है किसानों के समर्थन में, लेकिन अगर बात करें प्रियंका गांधी तो प्रियंका गांधी भी फिलहाल यूपी दौरे पर है। हेलो जी रिंकू, आवाज मिल पा रही है आपको? जी मैं आपको बता दूं, आज मथुरा में कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने किसानों को संबोधित किया है और करीब भारी मात्रा में यहाँ किसान मौजूद है और जी लगता है संपर्क टूट गया तो दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तो जहाँ एक तरफ किसानों का प्रदर्शन दिल्ली के तमाम बॉर्डर पर किया जा रहा है और सरकार से कृषि कानून को रद्द करने की मांग कर रहे हैं तो दूसरी तरफ पूरा देश किसानों के समर्थन में है। बात करें विपक्ष पार्टी की यानी कि कांग्रेस की तो कांग्रेस भी लगातार किसानों के समर्थन में नजर आ रही है जहाँ एक के बाद एक महापंचायत कर रही है। और अगर फिलहाल की अगर बात करें मौजूदा स्थिति की तो यूपी में महापंचायत की जा रही है प्रियंका गांधी की तरफ से, यूपी दौरे पर है प्रियंका गांधी और कृषि कानूनों पर जो सियासत है वो लगातार गर्माती हुई नजर आ रही है। मथुरा में प्रियंका गांधी की महापंचायत की जा रही है।
किसानों के समर्थन में है प्रियंका गांधी और कांग्रेस, तो लगातार और सरकार पर सीधा सीधा दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। साफ तौर पर कहना है कि किसानों की जो मांग है उनको सुन लिया जाए। किसान प्रदर्शन कर रहे हैं 3 महीने से और दिल्ली के तमाम बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, वो भी अपने घर से बेघर हो चुके हैं एक तरीके से कहा जा सकता है, क्योंकि 3 महीने से अपने परिवार से अलग रहना एक बहुत बड़ी बात होती है और एक ही गुहार से बैठे हैं, एक ही मांग से बैठे हैं कि कहीं ना कहीं सरकार उनकी जो गुहार है उनको सुने, कृषि कानून को रद्द किया जाए, एक ही मांग है उनकी। और दूसरी तरफ कांग्रेस भी लगातार अपनी सियासत गरमाने की कोशिश कर रही है। तो संवाददाता एक बार फिर से हमारे रिंकू शर्मा जुड़ गए हैं। रिंकू शर्मा, यूपी के महापंचायत कर रही हैं प्रियंका गांधी, तो इसको लेकर क्या स्थिति है वहां पर? जी मैं आपको बता दूं, कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी मथुरा में किसानों को संबोधित कर रही है और 3 कृषि कानून बिलों को लेकर वो किसानों को संबोधित कर रही है। वही प्रियंका गांधी के द्वारा गैस और डीजल पेट्रोल रेटों को लेकर उन्होंने भी किसानों को संबोधित किया और कहा सरकार को घेरा। वही उन्होंने कहा है कि ये बीजेपी सरकार है जो वो किसानों के साथ छलवा कर रही है, उसको लेकर कांग्रेस हमेशा किसानों के साथ है और किसानों के साथ खड़ी है, उसी को लेकर वो आज मथुरा में किसानों की महापंचायत को संबोधित कर रही है। जी तो रिंकू, जिस तरीके से लगातार कांग्रेस महापंचायत कर रही है, पहले राजस्थान में की जा रही है और अब यूपी के, तो अगर केरल की बात करें तो वहां पर राहुल गांधी भी केरल में लगातार महापंचायत कर रहे हैं किसानों के समर्थन में, लेकिन अगर फिलहाल यूपी के अगर बात करें तो क्या लगता है कि कांग्रेस की तरफ से जहाँ समर्थन में है कांग्रेस, क्या इसको सियासी मायने समझा जाए? जी मैं आपको बता दूं, इस समय सरकार को सभी पार्टी घेरती हुई नजर आ रही हैं, चाहे कांग्रेस हो चाहे सपा हो, वो जगह जगह अपना प्रदर्शन कर रही हैं और पंचायत कर रही हैं। वहीं किसानों को लुभाने के लिए वो जगह जगह महापंचायतों का आयोजन कर रही हैं, चाहे 3 कृषि कानून बिलों की जो सरकार के द्वारा जो लागू किए गए हैं उनको वापसी कराने के लिए कांग्रेस सरकार भी अब आगे आ गई है और जगह जगह महापंचायत कर रही है। जी तो रिंकू, क्या लगता है महापंचायत से कहीं ना कहीं सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है? महंगाई को लेकर बात करें, क्योंकि महंगाई के चलते कई जगह पर इसका असर देखने को मिला है। जी मैं आपको बता दूं, आए दिन जो सरकार के द्वारा जो गैस डीजल पेट्रोल पर जो रेट बढ़ाए जा रहे हैं और जो किसान करीब करीब 3 महीने से बॉर्डरों पर बैठा है और सरकार के द्वारा इनको बिलों को वापस नहीं लिया जा रहा है, उसके लिए जगह जगह महापंचायत हो रही है। रिंकू, अब जो आने वाले समय में यूपी में चुनाव होने वाले हैं, क्या लगता है किसानों की आड़ में जिस तरीके से कांग्रेस अपनी सियासी रोटियां सेकने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि लगातार बीजेपी भी ये कह रही है कि किसानों को बरगलाने की कोशिश की जा रही है, यूपी में आने वाले समय में अब चुनाव भी होने वाले हैं, क्या लगता है कि इसका असर कहीं ना कहीं सरकार को भी भुगतना पड़ेगा? जी मैं आपको बता दूं, जो 3 कृषि कानून बिल हैं जो जो किसानों के जो आंदोलन चल रहे हैं उसके लिए कहीं ना कहीं बीजेपी को इसका सामना करना पड़ेगा और उसका कहीं ना कहीं इसको घाटा भी जाएगा, उसके लिए सभी पार्टी एकत्रित होकर महापंचायत कर रही हैं और किसानों को लुभाने में लगी हुई है। जी जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रिंकू शर्मा तमाम जानकारी देने के लिए। तो इस मुद्दे पर अहम चर्चा के लिए हमारे खास मेहमान किसान नेता शिवराज जुड़ गए हैं। शिवराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। जी मेरा नाम शिवराज जी, शिवराज सिंह भाटिया जी, माफ कीजिएगा जी। चलिए तो शिवराज जी, आपसे यही सवाल है, लगातार किसानों का जो प्रदर्शन किया जा रहा है और एक के बाद एक महापंचायत की जा रही है किसानों की तरफ से भी कांग्रेस की तरफ से भी, क्या लगता है कि विपक्ष जिस तरीके से आपके समर्थन में है कहीं ना कहीं सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है? देखो जी, आंदोलन तो हमेशा दबाव से ही होता है, आंदोलन प्यार से नहीं होता, आंदोलन आरती उतार के नहीं होता। मतलब सरकार से हम आरती उतारते रहे, सरकार से हम सरकार के लिए प्रचार करते रहे तो आंदोलन के स्वाद का ये देश भी जो अंग्रेज थे वो आरती उतारने से भग जाते हैं। यहाँ से आंदोलन जो होता है, बात जो मनवाई जाती है उससे दबाव का ही होता है आंदोलन। लेकिन अभी नरेश सिकेत जी ने बयान दिया था कि माननीय राजनाथ जी बहुत पुराने लीडर हैं, कृषि किसान परिवार से जुड़े हुए हैं, सरकार इनको आगे लावे। लेकिन मुझे इसमें अमित शाह जी की और मोदी जी की बहुत गहरी साजिश लग रही है जी, क्योंकि अगला प्रधानमंत्री मोदी जी अमित शाह को देखना चाहते हैं और देश योगी जी को देखना चाहते हैं जी। शिवराज जी, क्या लगता है कि अभी फिलहाल राकेश टिकैत का एक बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि हमें मोदी सरकार पर कोई भी भरोसा नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से कृषि कानून को लेकर वो मांग कर रहे हैं उनकी मांग पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। तो दूसरी तरफ राजनाथ सिंह की बात की है कि राजनाथ सिंह से अगर एक घंटा अगर बातचीत हो सके तो समाधान निकल कर सामने आ सकता है।
जी बिल्कुल, ये राजनाथ जी को भी बिल्कुल कोमा में डाल दिया, वो तो बोल ही नहीं रहे कुछ भी। अगर राजनाथ जी को ये आगे करते तो शायद अब तक मसला निबट जाता। और दूसरी बात, शिवराज जी आपको क्या लगता है कि राजनाथ सिंह ही एक जो समाधान निकाल सकते हैं, आपको ऐसा क्यों लगता है? मुझे ये भी लग रहा है, सुनो, योगी जी की नजर दिल्ली पे आ गई थी और देश योगी जी की मांग करने लगा था, लेकिन मोदी जी चाह रहे हैं अमित शाह यादव, और इसलिए योगी जी को अगला चुनाव उत्तर प्रदेश में अंदरूनी हरवाना चाहते हैं मोदी जी। जी वो नहीं चाहते हैं कि योगी जी अगला चुनाव उत्तर प्रदेश में जीते हैं, आगे दिल्ली के दावेदार ना बन जाए। जी चलिए, इस पे तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता दिल्ली से राजीव तिवारी जुड़ गए। राजीव, जिस तरीके से एक के बाद एक महापंचायत की जा रही है किसानों की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से, और अगर बात करें दिल्ली की स्थिति की, तो दिल्ली में मौजूदा स्थिति क्या है? जी बिल्कुल बताया, जिस तरीके से लगातार जो किसानों की मांग है वो कृषि कानून को वापस कराने की है, मगर अभी तक जो सरकार की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि कृषि कानून वापस नहीं होगा, सिर्फ उसमें संशोधन किया जा सकता है, मगर किसानों की तरफ से भी रणनीति बनाई जा चुकी है, और यहाँ तक कि हर तरीके से, चाहे वो महापंचायत के द्वारा हो या फिर रेल रोको अभियान के द्वारा हो या फिर कहे सरकार को कहीं ना कहीं घेरने की कोशिश की गई हो या फिर कहे जिस तरीके से कल जो से कहते दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी से मुलाकात की थी, और यहाँ तक कि ये भी क्या कहा गया कि आम आदमी पार्टी भी उनका सहयोग देगी और कहीं ना कहीं सरकार को घेरने की कोशिश की जाएगी, मगर जिस तरीके से लगातार सरकार जो है वो एक ही चीज चाहती है कि कृषि कानून वापस नहीं करना है। बच्चे जिस तरीके से बात करें कि पूंजीपतियों की, तो कहीं ना कहीं किसानों की जो बात है वो सही, बिल्कुल राइट लगती है, यानी कि सही लगती है कि जिस तरीके से सरकार जो है सिर्फ कुछ ही पूंजीपतियों के लिए ही काम कर रही है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार कृषि कानून को लेके वो अड़े हुए हैं कि कृषि कानून को वापस नहीं करना है, और किसानों की जो मांग है वो उसको नहीं सुनना चाहते हैं, क्योंकि जिस तरीके से लगातार प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा भी, और यहाँ तक कि खुद अमित शाह के द्वारा भी, और यहाँ तक कि कृषि मंत्री जो है नरेंद्र सिंह तोमर उनके द्वारा भी कहीं ना कहीं यही कहा गया कि कृषि कानून वापस नहीं होगा, मगर देखना होगा कि कृषि कानून जब तक वापस नहीं होगा तो किसान भी पीछे हटने वाले नहीं है, और किसानों ने भी साफ कर दिया है हर कदम पर उन्होंने रणनीति बनाई हुई है और सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है, मगर देखना होगा किसानों की कितनी बड़ी रणनीति है, वो सरकार को घेर सकते हैं या फिर कृषि कानून को वापस करा सकते हैं, मगर सरकार की तरफ से अभी तक यही स्पष्ट होता नजर आ रहा है कि कृषि कानून वापस नहीं लेना चाहती है सरकार। जी जी शिवराज जी, हम आपसे सवाल करना चाहेंगे, जिस तरीके से विपक्ष पार्टी कह रही है, बीजेपी की तरफ से अगर बताया ये जा रहा है कि आने वाले समय में राकेश टिकैत यानी कि किसान नेता जो है राकेश टिकैत, वो आने वाले समय में राजनीति में एंट्री कर सकते हैं। देखो आने वाले समय में क्या हो सकता है, आने वाले समय में मैं अपने लिए कहूँ मैं जिंदा रहूँ ना रहूँ आने, ये तो कल्पना है, लेकिन हम इस आंदोलन का पूरा क्रेडिट देना चाहते हैं योगी जी को और राजनाथ जी को, ये इन दोनों को सामने ले आ मैं समस्या निबट जाएगी, लेकिन सरकार देना चाहती है अमित शाह जी को और पीयूष गोयल जी को और नरेंद्र तोमर जी को, जब किसान योगी जी और राजनाथ जी को, हम अगला प्रधानमंत्री योगी जी को देखना चाहते हैं जी, तो क्यों नहीं आने दे रही है, अमित शाह जी को क्यों कह रहे हैं ये प्रधानमंत्री बनाएंगे। शिवराज जी क्या लगता है कांग्रेस पार्टी लगातार समर्थन में आपके, क्या ऐसा लगता है कि वो अपनी सियासी रोटियां सेकने की कोशिश की जा रही है, ये सच में ही आपके समर्थन में है? अरे सियासी रोटी जब वो सियासत करते हैं तो रोटी ना फेंकेंगे और फेंकेंगे फिर वे जी रोटी तो फेंकेंगे जब वो सियासत है तो। लेकिन शिवराज जी एक सवाल ये भी है ना कि लगातार आपके तरफ से, यानी कि कांग्रेस की अगर बात करें, कांग्रेस भी लगातार आपके समर्थन में, अगर दबाव बनाने की कोशिश की जाती तो अभी तक दबाव बनाकर जो कृषि कानून है उसको रद्द भी किया जा सकता था ना। एक बात बताओ, जब इन्होंने मौका दे दिया कांग्रेस को, आम आदमी पार्टी को, समाजवादी पार्टी को, तो वो चद्दर तान के सोएंगे और मौका बनाएंगे नहीं क्या? वो पागल है, उनको बुद्धिजीवी नहीं है क्या? वो बताते नहीं है या वो बढ़िया मौका है, तुम डूबी हुई पार्टी हो, बेरोजगार हो, इस समय रोजगार पाने का बढ़िया मौका, ले लो रोजगार। जी राजीव अब आपसे सवाल करना चाहेंगे, अब स्थिति क्या है वहां पर, जिस तरीके से ये भी बताया जा रहा है, एक तो कोरोना का जो कहर है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है दिल्ली में भी, और फिलहाल जो स्थिति है किसानों का जो प्रदर्शन है वो भी जारी है, इसको लेकर वहां की स्थिति क्या है, अब जो सरकार है वो कितनी अलर्ट है वहां पे? कोरोना की स्थिति बिल्कुल अभी भी कंट्रोल के अंदर है, मगर हाँ कुछ स्थिति जरूर बिगड़ती नजर आ रही है, क्योंकि लगातार कहीं ना कहीं कोरोना के पेशेंट दोबारा से गिनती बढ़ रही है, क्योंकि बीच में हमने देखा था कि लगातार दिल्ली के अंदर लगभग 100 से 150 के करीब मरीज आने लगे थे, और मगर अब कहीं ना कहीं 200 से 250 मरीज होने लगे हैं, तो कहीं ना कहीं स्थिति जरूर बिगड़ रही है, मगर बात करें जिस तरीके से किसानों की, तो किसानों के लिए भी जी
चलिए राजीव, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। शिवराज जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अहम चर्चा के लिए। तो वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है, इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे एक महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-4545-4545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। ले चलते हैं यूपी के मथुरा की लाइव तस्वीरों पर, जहां प्रियंका गांधी महापंचायत कर रही है। रुक करते हैं अगली खबर का। देश के कई राज्यों में कोरोना का संकट बढ़ता ही जा रहा है। महाराष्ट्र केरल में कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण मचे हाहाकार के बीच भारत के अन्य कई राज्यों में भी कोरोना महामारी ने एक बार फिर सिर उठा लिया है। दरअसल करीब 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पिछले सप्ताह कोरोना के नए मामलों में वृद्धि दर्ज की गई है। हालांकि ये वृद्धि काफी मामूली रही, लेकिन इस वृद्धि को देखते हुए सरकारें सतर्क हो गई है और कई राज्यों ने सीमा पर अलर्ट जारी कर दिया है। सोमवार को महाराष्ट्र में कोरोना के 5,210 केस सामने आए हैं, तो वहीं राज्य में कोरोना संक्रमण को लेकर सीएम उद्धव ठाकरे सख्त हो गए हैं। महाराष्ट्र के कई इलाकों में लॉकडाउन लगा दिया गया है और इस बीच कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते नागपुर में स्कूल कॉलेज 7 मार्च तक के लिए बंद कर दिए गए हैं और वहीं अमरावती जिले में कर्फ्यू लगा दिया गया है। वहीं हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में महामारी को बैकफुट पर लाने के बाद अब लोगों द्वारा इसे हल्के में लेना भारी पड़ने लगा है। और एक महीने पूर्व जहाँ प्रदेश में हर दिन नए मरीजों के मिलने का ग्राफ 100 से नीचे आ गया था, तो वहीं अब औसत रोजाना 100 से अधिक संक्रमित मिल रहे हैं।
एनसीआर की अगर बात करें, दिल्ली एनसीआर में शामिल गुरुग्राम के साथ ही जीटी रोड बेल्ट के करनाल, कुरुक्षेत्र और पंचकुला में कोरोना के केस तेजी से बढ़ने लगे हैं। तो महाराष्ट्र केरल में कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है और इसी के चलते आपको बता दें कि वहां की जो सरकार है वो पूरी तरीके से अलर्ट हो चुके हैं। अमरावती की अगर बात करें तो वहां कर्फ्यू लगा दिया गया है। नागपुर की बात करें तो स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। तो लगातार जिस तरीके देश के कई राज्यों में कोरोना का संकट बढ़ता नजर आ रहा है, तो लोगों का जो एक डर था वो भी खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। तो इस पे तमाम जानकारी देने के लिए मुंबई से हमारे संवाददाता मुरारी सिंह जुड़ गए हैं। मुरारी सिंह, लगातार जिस तरीके से महाराष्ट्र में कोरोना के केस जो बढ़ने लगे हैं वो आंकड़े लगातार डराने वाले हैं। मौजूदा स्थिति की बात करें तो वहां के क्या हालात है? और यही वजह है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने आनंद फानंद में बैठक बुलाई है और तीनों दल के जिम्मेदार नेता सहित स्वास्थ्य कर्मी और बृहन मुंबई महानगर पालिका के कमिश्नर इस बैठक में शामिल हो रहे हैं ताकि वो रणनीति तैयार की जाए, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर संख्या कोरोना पॉजिटिव की बढ़ रही है, अगर किसी स्थिति से बढ़ती रही तो आने वाले समय में हालात और बिगड़ सकते हैं। देखना ये होगा की स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री आज क्या कुछ निर्णय लेते हैं। जी तो मुरारी सिंह, जिस तरीके से लगातार वैक्सीन आने के बाद जहां एक उम्मीद लगाई जा रही थी कि वैक्सीन आएगी, कोरोना के जो केस है वो कहीं ना कहीं राहत दिखाएंगे, लेकिन वैक्सीन आने के बावजूद ऐसी स्थिति देखना, कहीं ना कहीं लापरवाही देखने को मिल रही है सरकार की तरफ से। देखिए, कहना गलत नहीं होगा कि लापरवाही देखी गई है। बड़े पैमाने पर लापरवाही देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में हो रही है। जिस तरीके से पालघर में जो है शादी विवाह समारोह में कार्रवाई हुई है, घाट ऊपर में कार्रवाई हुई है, मुंबई के कई होटल और कफों में जिस तरीके से मुंबई पुलिस और बीएमसी कर्मचारियों ने अब लगाना शुरू किया है, इससे यही कहना होगा कि लोगों में जो डर था, जो भय था, वो कहीं ना कहीं लोग भूल चुके थे और यही वजह था कि अचानक संक्रमण यहाँ बढ़ना शुरू हुआ। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में जो आंकड़ा था वो लगभग 1500 से 1200 था, और मुंबई की बात करें तो 200 से 250 रुपए जो है यहाँ पर कोरोना पॉजिटिव के जो केस थे। और ऐसी स्थिति में मुंबई की लोकल ट्रेन नई गाइडलाइन के तहत चलाई गई थी। महज 15 दिन में आंकड़ा मुंबई की 1000-1200 हो गए हैं, जबकि महाराष्ट्र की बात करें तो आंकड़ा 7000 तक पहुंच चुका है 24 घंटे में। तो वास्तव में ये पूरा डरावना है। देखना होगा कि इसे नियंत्रण में लाने के लिए मुख्यमंत्री आज अपने सहयोगी पार्टी सहित जिम्मेदार अधिकारियों के साथ क्या कुछ निर्णय ले पाते हैं। बिल्कुल मुरारी सिंह, क्या लगता है जिस तरीके से महाराष्ट्र में कोरोना के केस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं? अमरावती की बात करें तो वहां नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। क्या लगता है अगर ऐसे ही आंकड़े बढ़ते हुए नजर आए पर क्या सरकार को एक्शन लेना पड़ेगा लॉकडाउन को लेकर एक बार फिर से? देखिए, महाराष्ट्र मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, कैबिनेट मंत्री असलम शेख राउत, यहाँ तक कि कई जिम्मेदार अधिकारियों की तरफ से भी बयान आ चुके हैं कि अगर हालात नियंत्रण में नहीं आए, कोरोना संक्रमण की संख्या अगर कम नहीं हुई तो लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। हालांकि पिछले 3-4 दिन के आंकड़ों पर नजर डाले तो कहीं से कोई राहत मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। मुंबई की बात करें तो 1000 से ज्यादा सोसाइटी यहाँ पर सील हो रही है। कोरोना के संक्रमण कितनी तेजी से फैल रहे हैं, बीएमसी कर्मचारी ज्यादातर अब फिर दूसरी बार कोरोना के रोकथाम में जुट चुके हैं। मुरारी सिंह, कहीं ना कहीं इसमें लोगों की लापरवाही भी देखने को मिल रही है, क्योंकि लगातार सरकार भी अपील कर रही थी कि वैक्सीन आ जाए, लेकिन उसके बावजूद भी हमें अलर्ट रहने की जरूरत है। वैक्सीन ही जिस तरीके से एक माध्यम था लोगों को बचाने का और वैक्सीन पहुंचाने का जगह जगह, लेकिन इसी के चलते उन्होंने अपील भी की थी कि वैक्सीन आने के बाद मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का इसका प्रयोग भी करें, लेकिन इसके बावजूद भी इतनी बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। अगर बातचीत की जाए लोगों से तो उनका क्या कुछ कहना है इस पर? देखिए, जीरो ग्राउंड पर जब हम लोगों से जानने की कोशिश करें तो उनका कहना है कि नहीं, बीमारी खत्म हो चुकी है, दवा आ चुका है, टीका लगना शुरू हो चुका है, लेकिन जागरूकता की यहाँ पर जरूरत है। मुंबई पुलिस के साथ साथ
जिस तरीके से महानगर पालिका कार्रवाई कर रही है, ऐसे में अधिकारी और राजनीतिक और सामाजिक तौर पर भी लोगों को फिर एक बार जागरूक होना होगा। काफी ऐसे इलाके हैं, भाजी मार्केट है, शॉपिंग सेंटर्स हैं, मॉल है, थिएटर है, अगर होटल रेस्टोरेंट की बात करें, और इन दिनों शादी समारोह के कार्यक्रम भी बड़े पैमाने पर हो रहे हैं, और इन पर अंकुश लगाने के लिए प्रशासन को अलर्ट रहना होगा। भले ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने सांस्कृतिक, राजनीतिक, धार्मिक और शादी विवाह के कार्यक्रमों को रद्द कर दिया है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अभी कोरोना संक्रमण है और इस बीच में इस तरीके का कोई कार्यक्रम न हो, लोग सहयोग करें, तो लगातार स्थिति जहां बिगड़ रही है वहां लोगों में जो है जागरूकता फैलाना और लोगों को भी जागरूक होना जरूरी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मुरारी सिंह तमाम जानकारी देने के लिए। हमारे को संवाददाता चंडीगढ़ से अभिषेक जुड़ गए हैं। अभिषेक, लगातार कई राज्यों में कोरोना का केस एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं, जो आंकड़े हैं वो बेहद डराने वाले हैं। चंडीगढ़ की अगर बात करें तो चंडीगढ़ में क्या स्थिति है फिलहाल? देखिए, अगर बात करी जाए हरियाणा की, तो अभी जो स्थिति है वो कंट्रोल में है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जो कोरोना वैक्सीन का कार्य है जो वो भी चल रहा है, और वही जो जो कोरोना के संक्रमण के जो मरीज हैं वो उस तादाद में नहीं है जो दूसरे जो जैसे राज्यों में इस समय एकदम से जो आंकड़ा है वो बढ़ा है। जैसे केरल की बात करें, चाहे महाराष्ट्र की बात करें, इस तरह की जो स्थिति है हरियाणा में अभी नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि पिछले कुछ दिनों में जो है कोरोना के मरीजों में जरूर इजाफा हुआ है। तो इसमें ये जरूर सरकार की ओर से, स्वास्थ्य विभाग की ओर से कहा गया कि सोशल डिस्टेंसिंग या फिर मास्क का और सैनिटाइजर और हाथ समय समय पर हाथ धोने का जो जो गाइडलाइंस है उनका पालन करें, इस तरह की जो है एक बार जरूर दोहराया गया, ताकि जो कोरोना संक्रमण है उस पर जो फैले ना और उस पर कंट्रोल जो है वो रहे। इसलिए तो अब जो बात करें स्थिति की, मौजूदा स्थिति की हरियाणा में, तो कोरोना को लेकर अभी जो है कंट्रोल में है, उस तरह की स्थिति नहीं है जो अन्य जो कई राज्यों में है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक तमाम जानकारी देने के लिए। इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।